यशवंत जी सीढ़ियों से चलकर ऊपर एक कमरे के सामने आए। उन्होंने कमरे को खोले। कमरे में घना अंधेरा हो रखा था। उन्होंने कमरे के लाइट को ऑन किया तो देखा सामने सुमित, जो कि यशवंत जी के बेटे का नाम था, किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उन्होंने सुमित से कहा, बेटा कब तक अपने गुजरे हुए कल के दुख को अपने अंदर समेट कर रखेगा, अब भूल भी जाओ उस दुख को, आज तेरे पापा को तेरी जरूरत है, तुम्हें टहरी जाना होगा। सुमित 26 साल का था, देखने में काफी आकर्षक था, रंग भी गोरा था। उसने अपनी मेहनत से अपने पिता के बिजनेस को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाया था, किंतु पिछले एक साल से वो अंदर ही अंदर खुद से बिगड़ सा गया था। सुमित के यूं बिगड़ जाने से उसके पापा के बिजनेस में अच्छा खासा प्रभाव पड़ा था। बिजनेस में अचानक से उतार चढ़ाव आना शुरू हो गया था। सुमित अपने कमरे में घंटों बैठकर कुछ सोचता रहता था, वजह थी निराली। निराली सुमित की असिस्टेंट बनकर आई थी। सुमित के साथ काम करते करते पता नहीं कब उसने सुमित को पूरी तरह बदल दिया था। सुमित निराली को पसंद करने लगा था। पसंद तो निराली भी सुमित को करती थी, किंतु उसने कभी सुमित को बताया नहीं, या यूं कहिए कि एहसास तक नहीं होने दिया था। फिर वही हुआ जो अक्सर होता है। सुमित ने निराली से अपने प्यार का इजहार किया और निराली ने भी बिना टाइम वेस्ट किए उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि भले ही निराली ने अपने प्यार का एहसास सुमित को नहीं होने दिया था, किंतु चोर तो उसके दिल में भी था। दोनों ही एक दूसरे को जान से ज्यादा चाहने लगे। पर एक दिन अचानक निराली उसके जिंदगी से कहीं ओझल हो गई। ना तो मनमुटाव हुआ था, ना ही झगड़ा। पर वो क्यों चली गई, कहां चली गई, किसी को कुछ पता नहीं। बस वो ऐसे ही एक दिन उसके जिंदगी से चली गई। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक रोज सुमित को उसका कॉल आया और उसने कहा, सुमित मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती, हो सके तो मुझे भूल जाना। बस यही आखिरी शब्द बोलकर उसने फोन काट दिया। उसके बाद सुमित ने उसे तलाश करने की बहुत कोशिश की, बहुत ढूंढा, किंतु वो उसे कहीं नहीं मिली। बस तब से ही सुमित बस उसे ही ढूंढता है। वो हमेशा इसी आशा में रहता है कि निराली एक दिन जरूर आएगी। उसने वो वजह भी नहीं बताई, कितना प्यार करती थी मुझसे, वो कैसे ये सब कर सकती है। पूरा एक साल बीत गया था इस घटना को। यशवंत जी ने सुमित से कहा, देखो बेटा मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, पर तुम कब तक इसी तरह से घुट घुट कर जियोगे। सुमित कहता है, पापा वो कैसे मुझे छोड़कर जा सकती है, कितना प्यार करती थी मुझसे। यशवंत जी बोले, बेटा उसे जाना था, वो चली गई, अगर उसे वापस आना होता तो कब की चली आती। अब तुम ये सब सोचना बंद करो बेटा, वो फैक्ट्री अब हमारी आखिरी उम्मीद है, हमारा बिजनेस अब बंद होने के कगार पर है। सुमित बोला, मैं समझ सकता हूँ पापा, अब उसे भूल जाना ही ठीक होगा, तब तक मैं आपको भी दुख देता रहूं, मैं जाऊंगा। यशवंत जी बोले, बेटा वहाँ के वकर्स डरे हुए हैं, अब तक 4 मौत हो चुकी है उस जगह, हमारा काम काज बंद होने के कगार पर आ चुका है, और वजह भी नहीं पता लग पा रहा है कि कौन है जो ये हमले कर रहा है। तुम अपने साथ गन ले जाना और हाँ संभाल कर रहना, अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। सुमित कहता है, पापा मैं ये पता लगा कर ही रहूंगा, ये सब आखिर हो क्या रहा है और कौन कर रहा है। यशवंत जी बोले, तुम्हारे दोस्त लकी और शिवांश भी तुम्हारे साथ आने वाले हैं। तुम तीनों रात की ट्रेन से जाओ, तुम सुबह तक टेहरी पहुंच जाओगे। मैं फैक्ट्री के चपरासी को फोन कर दूंगा, वो तुम्हें लेने आ जाएगा। सुमित कहता है, ठीक है पापा। रात के इस वक्त 8 बज रहे थे। लकी, शिवांश और सुमित तीनों काफी देर से ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन धीमी रफ्तार से स्टेशन में आ गई।
तीनों ट्रेन में अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। इतने में लकी बोलता है, ओ यारो, आज पूरे एक साल बाद हम तीनों कहीं एक साथ जा रहे हैं। शिवांश कहता है, हाँ यार, काफी टाइम हो गया हमें एक साथ कहीं घूमे हुए, इसीलिए तो अंकल ने जैसे ही बोला सुमित के साथ जाओगे, मैं तुरंत तैयार हो गया। इतने में लकी सुमित से कहता है, सुमित यार, हमें पता है कि तुम किस तकलीफ से गुजरे हो, पर यार हम तुम्हें ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकते। बिजनेस के बहाने हमें एक मौका मिला है अपने पुराने लाइफ को दोबारा जीने का। याद है ना वो पुराने दिन जब हम तीनों एक साथ घूमने निकलते थे? शिवांश लकी से बोला, अरे यार लकी, तू चिंता मत कर, हम सुमित को फिर से वही पुराना वाला सुमित बना देंगे, बिल्कुल रॉकिंग। अब तक ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी थी। तीनों दोस्त अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बातों में खोए थे। फैक्ट्री जाने के रास्ते में सबसे पहले कछहार गांव आता था। उसके पीछे फैक्ट्री वालों के तरफ से बाहर से आए हुए कामदारों के लिए छोटे छोटे घर बनाए गए थे। उसके बाद करीब एक घंटे का सफर तय करने के बाद फैक्ट्री आता था। करणवीर फैक्ट्री का सुपरवाइजर था। आज उसे घर जाने में देरी हो गई। इस वक्त करीब रात के 11 बज रहे थे। करणवीर ने अपनी साइकिल उठाए और अपने घर के लिए निकल गया। घर 1 किलोमीटर पर था। रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था। वैसे तो कोई भी इस रास्ते से रात के वक्त नहीं जाता, कारण था कुछ कर्मचारियों की अचानक हुई मौत। पर करणवीर एक साहसी इंसान था, अंदर से एकदम निडर, बेखौफ, इसलिए इतनी रात को भी साइकिल लिए अकेला निकला था। चारों तरफ अजीब सा डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। झिंगुरों की भयानक आवाज उस जंगल में गूंज रही थी। करणवीर अपने साइकिल पर धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक से वही भयानक पक्षी उसके साइकिल के सामने से गुजरा। करणवीर थोड़ा घबरा गया, कारण उसने इतना डरावना पक्षी पहले कभी नहीं देखा था। आते ही वो पक्षी कहीं गायब हो गया था। उसने खुद को संभाला और साइकिल को आगे बढ़ाई। फिर से वही डरावना पक्षी उसकी चमकती भयानक लाल आंखों से घूरता हुआ अजीब चिल्लाहट करते हुए वहीं से गुजरा। इस बार करणवीर डर कर कांप उठा। उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई थी। वो पसीने में भीग गया था। थोड़ी देर बाद उसने फिर साइकिल आगे बढ़ाई, पर इस बार उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा सामने 5 अजीब शैतान भालू उसके सामने खड़े होकर उसी को देख रहे थे। वो कोई साधारण भालू नहीं थे, बहुत ज्यादा बड़े। चेहरा लाल चमड़ी सा जला हुआ, आंखें आग जैसी जलती हुई, माथे पर काले सिंह और पूरे शरीर से नीला द्रव्य बह रहा था। वो सारे के सारे गुस्से से करणवीर को घूर रहे थे। फिर सभी एक साथ अजीब सी आवाज में दहाड़ने लगे, जैसे कोई शैतान जोरों से रो रहा हो। फिर सारे उसकी तरफ दौड़े। क्या होगा अब करणवीर का? क्या खुद को बचा पाएगा करणवीर, या उसी गुमनाम अंधेरे के दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए खो जाएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल कॉस्मिक कॉमिक्स के साथ।